इस विश्लेषण को देखने और सुनने के बाद हर देश प्रेमी गर्व महसूस करेगा, क्योंकि इस वक्त जो पन्ना मैं अपने हाथ में लेकर आपको दिखा रहा हूं, यह पन्ना क्या है इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यह जरूर है इतना जान लीजिए कि दुनिया में जो सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, जिस देश को कहा जाता है, वो शक्ति भी अब भारत के साथ खड़ी नहीं है, सिर्फ भारत के साथ उम्मीद जता रही है और यह कह रही है कि भारत की वजह से हमारे देश में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। अब ऐसा क्या है इस पन्ने में, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन यह बात आप जरूर समझिए कि चार देश, 470 विमान, 6,40,000 करोड़ रुपए, ये फैक्ट्स है एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी डील के। हो सकता है कि आपको इस डील के बारे में जानकारी हो, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि विमानों के इस एक ऑर्डर ने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल दिया है? सही सुन रहे हैं आप, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर। और इसे समझाने के लिए सबसे पहले आपको अब हम यही लेटर दिखाते हैं। यह लेटर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जारी किया है और इसमें वो कह रहे हैं कि भारत के साथ हुई इस डील की वजह से उनके यहां 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। मैं आपको टीवी स्क्रीन पर तो ये पन्ना दिखा ही रहा हूं, लेकिन जो शब्द है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि शायद इसके एक या दो लाइन में पूरे भावार्थ को मैं समझा पाऊं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें भारत को लेकर ऐसी बातें ही लिखी गई है। इसलिए ये सुनकर जैसे जैसे आप अगली पंक्ति के साथ खुद को जोड़ेंगे, आपको गर्व महसूस होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स कैन एंड विल लीड द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ये तमाम पन्ने की जो कॉपी है वो आपके स्क्रीन पर है, ये सह लाइन जो है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट टुडे दैट परचेज ऑफ ओवर 200 अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट थ्रू अ हिस्टोरिक अग्रीमेंट बिटवीन एयर इंडिया एंड बोइंग। दिस परचेज विल सपोर्ट ओवर अ मिलियन 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स अक्रॉस 44 स्टेट्स, यानी कि अमेरिका के 44 राज्यों में 10 मिलियन जॉब की उम्मीद को इस डील से सहारा मिलने की बात खुद जो बाइडेन कह रहे हैं, यानी रोजगार का सृजन होगा, रोजगार की उम्मीदें बढ़ेंगी। और किस देश की बात हो रही है? ये अमेरिका की। अमेरिका में रोजगार का सृजन, रोजगार की उत्पत्ति भारत के एक डील से हो रही है। इसलिए हमने कहा यह राष्ट्रवाद से जुड़ी बात है, यह देश से जुड़ी बात है, और इसलिए आज हम एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। और ये जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, ये यकीन मानिए हमारा ये विश्लेषण देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने कहा ना कि ये पन्ना, इसमें लिखी जो पंक्तियां हैं, वो सुनने के बाद आपको यकीनन बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा कि भारत कहां है और भारत की इस डील ने क्या मायने रखे हैं। इसको और बारीकी से हम समझाते हैं, क्योंकि आज भारत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वो कुछ खरीदने के लिए किसी की मिन्नत नहीं करता है, गिड़गिड़ाता नहीं है, बल्कि आज अमेरिका जैसी दुनिया के कद्दावर देश अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए खुद भारत के दरवाजे पर खड़े होते हैं ताकि उनकी दुकान चलती रहे। कम से कम एयर इंडिया की विमान बनाने वाली कंपनियां बोइंग और एयरबस के साथ हुई डील यही बताती है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस के साथ 470 विमान खरीदने का समझौता किया है। इसमें 250 विमान फ्रांस की कंपनी एयरबस से खरीदे जाएंगे और एयरबस से जो विमान खरीदे जाने हैं उसमें 210 A320 नैरो बॉडी विमान है, यानी छोटी दूरी या घरेलू उड़ानों में इस्तेमाल होने वाले। इन विमानों में एक बार में 140 से 170 यात्री सवार हो सकते हैं। इसके अलावा एयर इंडिया एयरबस से 40 A350 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट भी खरीदेगी और ये विमान आकार में काफी बड़े होते हैं और इसमें एक बार में 300 से 400 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होती है। ये विमान लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और इसलिए इसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में किया जाता है। यह है डील। इसके अलावा एयर इंडिया ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से भी 220 विमान खरीदने की डील की है और इसके तहत बोइंग एयर इंडिया को 190 बोइंग 737 मैक्स, 20 787 ड्रीम लाइनर और 10 777 एक्स विमान सौंपेगी। अलावा इसके एयर इंडिया बोइंग से 70 विमानों के फॉलो ऑन ऑर्डर भी दे सकती है, यानी 70 विमान और खरीदे जा सकते हैं जिसमें 50 737 मैक्स और 20 787 ड्रीम लाइनर विमान हो सकते हैं। यह तो बात हुई खरीदारी की, यानी अलग अलग अनुमानों के मुताबिक ये डील करीब करीब $85 बिलियन तक की हो सकती है और भारतीय रुपयों में
इसकी कीमत का अगर आप आकलन करते हैं तो यह करीब करीब बैठता है 7,05,000 करोड़ रुपए के आसपास। यह रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों की जीडीपी भी इससे कम है। इसमें श्रीलंका, सर्बिया, उज्बेकिस्तान, म्यांमार, अजरबैजान, जॉर्डन, बहरीन, बेलारूस और नेपाल जैसे देश शामिल हैं। उनकी जीडीपी इससे कम है, यानी इस डील का साइज इन देशों की जीडीपी से ज्यादा है और इसलिए इसे एविएशन की दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डील के तौर पर भी कहा जा रहा है और देखा जा रहा है, क्योंकि आज तक दुनिया की एयरलाइन ने या देश ने एक बार में इतने विमानों का ऑर्डर कभी नहीं दिया है। इससे पहले अमेरिकन एयरलाइंस ने एक साथ 460 विमानों का ऑर्डर दिया था। यह डील कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस दौरान बोइंग और एयरबस के टॉप अधिकारी ही नहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो खुद वहां मौजूद थे। लेकिन उनकी मौजूदगी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उनका वो बयान है जो उन्होंने इस डील के पूरा होने पर दिया है। इसलिए सबसे पहले आपको सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा इस डील को लेकर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डियर प्राइम मिनिस्टर, डियर नरेंद्र, आई एम वेरी ग्लैड to have the opportunity to see you, even this is just through this VTC. Just would like to add two quick points. The first one is that Airbus is contributing to the outstanding development of India and the new 250 aircraft which will be delivered to Air India will be one more step in this direction. इस डील के बाद एयरबस के सीईओ की खुशी भी देखने लायक थी। उन्होंने इस डील को ना सिर्फ ऐतिहासिक बताया बल्कि भारत की जमकर तारीफ भी की है। Today, every Airbus, be it a commercial aircraft or a helicopter, has technologies and parts designed and made in India. So while the Air India aircraft will ultimately be finally assembled in Germany and France, in Europe, many of their components and parts will come from Indian companies and critical technologies will come, and we're growing in that dimension from the Airbus India Engineering Center in Bengaluru. इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको आज जरूर सुनना चाहिए। सिविल एविएशन को मजबूत करना हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले 8 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से उछलकर 147 हो गई है, यानी लगभग दोगुनी बढ़त। हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के माध्यम से देश के सुदूर हिस्सों की एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, जिससे लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। निकट भविष्य में भारत एविएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। कई आकलनों के अनुसार भारत को अगले 15 वर्षों में 2000 से अधिक विमानों की आवश्यकता होगी। आज की ऐतिहासिक घोषणा इस बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगी। ये बहुत बड़ा दिन है, ये इतना बड़ा डील किसी ने एविएशन सेक्टर में साइन किया नहीं अभी तक। दिस इज द बिगेस्ट रिकॉर्ड दैट इज क्रिएटेड। द डील इज ऑफ $70 billion and 470 planes. This is distributed between Airbus and Boeing. 250 250 Airbus ke hai aur 220 Boeing ke planes hai, and this will come over a period of years. Isse Tata Air India will become one of the largest airlines in the world. Ye bahut bada deal hai aur usme sabse zyada fayda kiska hone wala hai? Consumer ka hone wala hai. Isme kya hoga ke because more aircrafts will come, quality of service will improve, standards of the aviation sector will improve, or consumer will get a great deal, fares will go down, and overall it will be a great day for the entire aviation sector.
एयरबस को 250 विमानों का ऑर्डर मिला तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी हैप्पी हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब डील फ्रांस की एयरबस के साथ हुई है तो खुशी की लहर ब्रिटेन में क्यों दौड़ रही है। उसकी वजह यह है कि एयरबस के विमानों में जिस इंजन का इस्तेमाल होता है उसे ब्रिटेन की ही रोल्स रॉयस कंपनी बनाती है, और एयरबस के जो विमान खरीदे जाने हैं वो सभी डबल इंजन वाले एयरक्राफ्ट हैं, और इस लिहाज से रोल्स रॉयस को भी 500 इंजन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप मिल जाएगा। इसके अलावा एयरबस के विमानों के कई दूसरे पुर्जे और हिस्से भी ब्रिटेन में बनाए जाते हैं, यानी ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। और ये बात ऋषि सुनक भी जानते हैं, और वो सिर्फ जानते ही नहीं है, वो ये मानते हैं कि भारत के साथ हुई डील से ब्रिटेन में ना सिर्फ हजारों नौकरियां पैदा होंगी बल्कि इस सौदे से ब्रिटेन का एयरोस्पेस बाजार आसमान की ऊंचाइयां भी छू सकेगा। एयर इंडिया की इस मेगा डील का इंपैक्ट दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका तक महसूस कर रहा है, और इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस डील से काफी ज्यादा निहाल हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलकर यह मान लिया है, जिसका सबूत ये पन्ना है, ये खत है, ये स्टेटमेंट है कि एयर इंडिया और बोइंग के साथ हुई इस डील से अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। सोचिए 10 लाख नौकरियां, वो भी सिर्फ भारत के साथ हुई एक डील की वजह से, और कह कौन रहा है, अमेरिका। As you mentioned, the president spoke with the prime minister of India earlier today. They discussed the historic agreement for Air India to purchase over 200 American-made aircraft from Boeing. President Biden noted how the sale will support over 1 million American jobs across 44 states and help Air India meet growing demands for air transportation in India. They also discussed the importance of the strategic technology partners between India and the United States. अब आप अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या आपने कभी इस दिन की कल्पना की थी कि एक दिन भारत अमेरिका जैसे देश को नौकरियां दे सकेगा? और यह बात कोई और नहीं, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति कबूल करेंगे, और इसे ही तो वक्त का बदलना कहते हैं। और यह डील बताती है कि अब यह वक्त भारत का है, हिंदुस्तान का है, यानी यह हमारी शक्ति का है। लेकिन वक्त के इस बदलाव को महसूस करना भी जरूरी है, क्योंकि आज भारतीय एविएशन इंडस्ट्री आसमान की जो ऊंचाइयां नाप रही है वो तस्वीर हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसलिए आज हम आपको 15 अक्टूबर 1932 की ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज भले ही एयर इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी डील साइन कर ली है, और आज भले ही इस डील की वजह से दुनिया के कई देशों में लाखों नौकरियां पैदा हो रही हों, लेकिन यह तस्वीर एयर इंडिया के इस पूरे सफर की कहानी बताती है, वो सफर जो महज एक विमान और एक पायलट के साथ शुरू हुआ था। और यह तस्वीरों में दिख रहा है कि यह पायलट कोई और नहीं है, टाटा ग्रुप के तत्कालीन चेयरमैन जेआरडी टाटा है। इस तस्वीर का अपना इतिहास है, क्योंकि इसी दिन जेआरडी टाटा ने सुबह 6:35 पर कराची से उड़ान भरी थी, और करीब 7 घंटे की उड़ान के बाद दोपहर 1:50 पर उनके विमान ने तत्कालीन बंबई के जुहू हवाई अड्डे पर लैंड किया था, यानी 7 घंटे की फ्लाइट। और भारत के उड्डयन इतिहास में यह सबसे ऐतिहासिक लम्हा था, क्योंकि कराची से मुंबई तक की ये उड़ान भारत की पहली कमर्शियल उड़ान थी, और यहां से भारत में एयर इंडिया ही नहीं सिविल एविएशन का भी जन्म हुआ था। हालांकि इस विमान में कोई यात्री सवार नहीं था, इसकी जगह इसमें 25 किलोग्राम वजन की चिट्ठियां मौजूद थी। जी हां, खत। ये चिट्ठियां लंदन से ब्रिटेन के राजसी विमान इंपीरियल एयरवेज के द्वारा कराची लाई गई थी, और फिर जेआरडी टाटा ने इन्हें कराची से मुंबई पहुंचाया। काफी दिनों तक टाटा एयरलाइंस इसी तरह से चिट्ठियां ढोती रही, और इसके लिए उन्हें खास पैसे भी नहीं मिलते थे, क्योंकि भारत की तत्कालीन ब्रिटानी सरकार उन्हें हर चिट्ठी पर सिर्फ 4 आने ही देती थी। हालांकि जल्द ही हालात बदले, और एयर इंडिया ने चिट्ठियों के साथ लोगों को भी उनकी मंजिलों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। अगले ही वर्ष यानी 1933 में टाटा एयरलाइंस ने 11 टन चिट्ठियों के साथ 155 यात्रियों को भी उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब विमान सेवाएं बहाल हुई तो 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड हो गया। ये वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उन पुराने पन्नों के।
आजादी के बाद यानी कि वर्ष 1947 में भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% की हिस्सेदारी खरीद ली। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, ये तस्वीर देखिए। यह ऐतिहासिक तस्वीर है, इसलिए आपको आज इन तस्वीरों के साथ हम जोड़ रहे हैं। यह 18 अप्रैल 1971 की तस्वीर है, यानी कि एयर इंडिया की पहली उड़ान के करीब 40 वर्ष बाद की तस्वीर है। और इस तस्वीर में एयर इंडिया के चेयरमैन जेआरडी टाटा अपने बेड़े में पहले बोइंग 747 यानी कि जंबो जेट का स्वागत कर रहे हैं। और यह भारत का पहला जंबो जेट विमान था जिसने आज से करीब 50 वर्ष पहले बंबई के सांताक्रूज हवाई अड्डे पर लैंड किया था। यहां से एयर इंडिया और भारतीय एविएशन इंडस्ट्री ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जेआरडी टाटा कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल करने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे और उनका एविएशन के प्रति प्रेम और जुनून ही था जिसने आज एयर इंडिया और भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को यहां तक पहुंचा दिया है। और इसलिए आज जब एयर इंडिया की इस मेगा डील का जश्न मनाया जाता है तब इस इंसान को जरूर याद किया जाता है। तब हम इन पन्नों को दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए किस तरह से सुपर पावर अमेरिका भी भारत के साथ हुई इस डील के बाद इस उम्मीद से भारत की ओर देखता है कि वहां पे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। एयर इंडिया की ये मेगा डील भारत की एविएशन इंडस्ट्री की बदलती सूरत ही नहीं है, वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते दखल का भी प्रतीक है। क्योंकि आज भले ही अमेरिका से लेकर फ्रांस और ब्रिटेन इस डील के लिए भारत का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे हों, लेकिन एक वक्त था जब इन्हीं देशों ने भारत को विमान के लिए इंजन देने तक से इनकार कर दिया था। वर्ष 1986 में भारत ने अपना खुद का हल्का लड़ाकू विमान बनाने का फैसला किया था और भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो चुका था, सिर्फ इंजन की कमी बाकी थी। भारत इस लड़ाकू विमान के लिए अमेरिका में बने जीई 404 इंजन को खरीदना चाहता था, लेकिन वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत को यह इंजन देने से साफ इनकार कर दिया और भारत के स्वदेशी तेजस प्रोग्राम पर इसका बेहद खराब असर पड़ा था और यह प्रोजेक्ट कई वर्ष लेट हो गया, जिसका नुकसान हम आज तक उठा रहे हैं और हमें आज भी मिग-21 विमानों से काम चलाना पड़ रहा है। यह उस वक्त की बात है, लेकिन आज आपको बदले हुए वक्त की तस्वीर भी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं ये तस्वीरें बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो की, और तस्वीरों में जो विमान दिख रहा है वो कोई ऐसा वैसा विमान नहीं है। ये विमान दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले लड़ाकू विमान F-35 की पूरी कहानी है। ये F-35 ये फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह विमान रडार की नजर में भी नहीं आता है। यह अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट है और अमेरिका ने इसे तुर्की को देने से भी इनकार कर दिया था, जबकि तुर्की नाटो का हिस्सा होने के साथ साथ इस फाइटर जेट प्रोग्राम का भी हिस्सा था। लेकिन आज अमेरिका अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट को लेकर भारत की दहलीज पर खड़ा है और बनुहार कर रहा है, आइए हमसे दुनिया का सबसे अच्छा लड़ाकू विमान खरीद लीजिए। यही वक्त का बदलना है और हम चाहते हैं कि इस बदलाव को आप भी महसूस करें, और इसलिए हमने आपको इस तस्वीरों के साथ जोड़ा जहां पे एयर इंडिया का वो सफर भी था, इस डील के मायने भी थे और आज कहां भारत खड़ा है वो तस्वीर भी थी।